पाकिस्तान उच्चायोग में बैठे जासूस महमूद अख्तर को भारत ने देश छोड़ने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया था। भारतीय सेना से जुड़े अहम दस्तावेज मिलने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बासित से कहा कि फौरन आरोपी अधिकारी महमूद अख्तर को पाकिस्तान भेजें। अख्तर के दो भारतीय साथी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो राजनयिक होने की वजह से विशेष छूट मिली हुई है इस अधिकारी को, और यही वजह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, हिरासत में लिया गया और उसे फौरन अब हिंदुस्तान छोड़ने को कहा गया है। तो पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठे जासूस महमूद अख्तर को भारत ने देश छोड़ने के लिए कहा है। सख्त लहजे में अब्दुल बासित को तलब किया गया था और उनसे कहा गया कि इस अधिकारी को वापस भेजें जल्द से जल्द। तो भारतीय सेना से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज मिलने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बासित से कहा कि फौरन आरोपी अधिकारी महमूद अख्तर को पाकिस्तान भेज दिया जाए। अख्तर के दो भारतीय साथी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। तो आखिर किस तरीके से यह पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, किस तरीके से जासूसी की जा रही थी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही थी। और देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया इस बाबत। विदेश मंत्रालय ने जासूसी के आरोप में घिरे पाक उच्चायोग के अधिकारी को भारत छोड़ने को कहा है। विकास स्वरूप जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट करके यह जानकारी दी। तो जिस शख्स को हिरासत में लिया गया था उसे देश छोड़ने के लिए कहा गया है। आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता। आशीष, क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको? देखिए अखिलेश, अभी अब्दुल बासित जो कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है, उनको बुला करके सख्त लहजे में स्ट्रांग प्रोटेस्ट रजिस्टर कराते हुए विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर ने, खुद फॉरेन सेक्रेटरी ने ये डिक्लेयर कर दिया भारत की तरफ से कि महमूद अख्तर जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में एक अधिकारी के पद पे थे, वो पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किए जा चुके हैं भारत की तरफ से और तुरंत उन्हें पाकिस्तान हाई कमीशन को वापस भेजना पड़ेगा। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब वही है जो आप जिक्र कर रहे थे कि अब उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा और पाकिस्तान को जल्द से जल्द उसे वापस बुलाना पड़ेगा। और इस स्पाइंग के पूरे मामले को लेकर के भी भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए ये स्पष्ट किया है कि इस तरह के मामले आगे नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस जानकारी के लिए आपका। तो फौरन कहा गया है इस जासूस को, इस उच्चायोग के अधिकारी को, कि आप भारत छोड़ें। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया गया था आपसे कुछ ही देर पहले और उसके बाद उन्हें कहा गया है कि जिस अधिकारी पर ये आरोप लगे हैं फौरन उसे पाकिस्तान भेजा जाए।